अभी 23 जनवरी को हम लोगों ने मोनिया दी ग्रेट गांधी जी के जीवन को सेंटर करते हुए और खासतौर से गांधी जी के बचपन को सेंटर में रखते एक नाटक किया है जो बच्चों ने 3 महीने में तैयार किया। ये प्रोसेस ड्रामा है, इसमें हमने गांधी जी के जो भी बचपन में जो टर्न आए हैं, जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी संगतियां विसंगतियां हुई हैं, उसको लेके लिए बच्चों ने तैयार किया। इसमें हमने खास तौर से इसको केंद्रित किया है 4-5 साल के गांधी से लेके 18 साल तक के गांधी तक। तो हमारा ये मानना था कि बुनियाद बचपन में ही पड़ती है किसी बड़े आदमी की। तो बचपन में गांधी जी सच्चाई के लिए किस तरह से जूझे, दलितों के लिए किस तरह से उनके मन में विचार पैदा हुआ, धर्म को लेके कैसे सवाल उनके मन में पैदा हुए, सच्चाई को लेके कौन कौन से मुश्किलें उनको सामने करना पड़ी, और शिक्षा और शिक्षक को लेके कितना आदर उनके मन में था। तो ये जब भी उनके सामने ये सवाल उठे, इस सवाल के उस जवाब ढूंढते रहे, उन्होंने उसका सामना किया। तो ये नाटक हमारा 23 को मंचित हुआ है। इसको प्रोसेस ड्रामे की एक शक्ल में हम मान सकते हैं। ये जो प्रोसेस ड्रामा है, इसमें नया ड्रामा तैयार करते हैं जिसमें सब्जेक्ट मैटर को बच्चे खंगालते हैं, जांचते हैं, परखते हैं और उसको मंच पे उसके अलग अलग सीन मंचित करते हैं और एक पूरे प्रोडक्शन की प्रक्रिया से गुजरते हैं। यहाँ बच्चे ही बहुत सारी चीज़ें डिसीजन लेते हैं कि कौन सा सीन कैसे रखना है, कहाँ बनाना है, कौन कौन से डायलॉग रखना है, लेकिन हमने विषय वस्तु के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। तो इसमें लेकिन ये थोड़ा सा प्रोसेस ड्रामा थोड़ा अलग तरह का, इसमें हमारे साथ में डिजाइनर मिस्टर कैलाश जुड़े थे, कोरियोग्राफी में डिजाइनिंग राइटर हमारे साथ शकील अख्तर जुड़े थे जो स्क्रिप्टिंग करते रहे थे, बच्चे जैसी बातचीत करते थे, जैसा प्ले बनाते थे। म्यूजिक के साथ में भी हमारे साथ में कलीम जाफर जुड़े थे और गगन सिंह बैस म्यूजिक के साथ जुड़े थे हमारे, और इसके साथ में नीलेश भी हमारे साथ जुड़े थे। तो हमारा ऐसा मानना है कि हाँ, और आशीष जोधपुर से आए थे, वो बच्चों के साथ बरसों से काम कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े थे। हमारा मानना है कि पूरी टीम, प्रोडक्शन की पूरी टीम अगर बच्चों के साथ जुड़े थे, एक अच्छा प्ले तैयार हो सकता है। तो गांधी जी का ये जो प्ले है, खास तौर से बचपन को लेकर, उनके बचपन को लेकर पहली बार हमें लगता है कि उनके बचपन को केंद्रित करता हुआ ये प्ले है, और इस प्ले के और भी शो होंगे, और हम चाहेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरह के नाटक हो जो गांधी जी के बचपन को केंद्रित रखकर करें और बच्चे करें, बच्चे गांधी जी के मैसेज को सामने ले जाएं कि कैसे गांधी जी ने बचपन के अंदर ही उन गुणों को विकसित किया था।